अब की बार 400 बार चांदनी चौक का एक ही लाल खंडेलवाल खंडेलवाल। कैट्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल को लोकसभा का टिकट मिलते ही कैट्स के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा ने प्रवीण खंडेलवाल को जिताने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इसका आगाज दिल्ली के अशोक विहार के व्यापारियों के साथ मीटिंग कर किया गया। इस मीटिंग में अशोक विहार की लगभग 15 मार्केट एसोसिएशन के प्रधान और पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस मीटिंग में मौजूद सभी मार्केट के पदाधिकारियों ने खुलकर प्रवीण खंडेलवाल को समर्थन देने की बात की। साथ ही मीटिंग के दौरान अपनी अपनी दलील और परेशानियों को भी साझा किया। हमारे साथ उनसे हम बात करते हैं। सर, आज की मीटिंग आपने अटेंड करी, क्या क्या कंक्लूजन निकल के आए, क्या लगता है प्रवीण जी का समर्थन क्यों करना चाहिए व्यापारी? पुराने व्यापारी नेता हैं तो व्यापारियों का समर्थन तो बनता है साथ में, और व्यापारियों को इससे बड़ी क्या खुशी होगी जब इतने सालों से सरकार में और में सुनवाई नहीं है, तो एक व्यापारी नेता है, व्यापारियों का दुख दर्द उनसे अच्छा कौन समझ सकता है। एज ए कैट वो पहले से कार्य करते आ रहे हैं, तो वी आर विद प्रवीण खंडेलवाल। सर, कितनी उम्मीद है अगर प्रवीण जी 100% व्यापारियों की आवाज उठेगी? 100% डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने समस्याएं भी बताई, मीटिंग कैसी रही पहली बात तो हम जानना चाहेंगे। मीटिंग उम्मीद से ज़्यादा अच्छी रही, और ये मानिए कि ये अशोक विहार एक ऐसा सेंटर है जहाँ से सारे दिल्ली के व्यापारियों को एक आवाज़ गई है, और वो आवाज़ एक ही है कि हम अपना सांसद चुन चुके हैं प्रवीण खंडेलवाल के रूप में, और व्यापार जगत की समस्या हो, चाहे रेजिडेंस की समस्या हो, चाहे दिल्ली की और कोई समस्या हो, हमें लगता है उनके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा समझदार व्यक्ति है जो उन सब समस्याओं का समाधान बिल्कुल करेगा, हमेशा करेगा, करता रहेगा। समस्याएं बहुत थी सर, हमने देखा सभी जो व्यापारी थे समर्थन के साथ साथ समस्याएं भी बता रहे थे कि हमारे मार्केट में ये समस्या है। क्या लगता है कितनी जल्दी आपकी समस्याएं पूरी होने वाली हैं या ठीक होने वाली हैं? देखिए, समस्याएं ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, समस्या का नाम ही समस्या है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ऐसा है, जब हमारा सांसद एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति आएगा तो वो सारी बातों को अच्छे से समझ सकेगा कि हमने एक बार उन्हें बात समझाई और उन्हें समझ आ गई और वो काम पूरा हो गया। तो यही व्यक्तित्व हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी के अंदर है, जिसे मैं जानता हूँ, मैं उन्हें पिछले 40 वर्षों से जानता हूँ, आज से नहीं जानता हूँ, और उनकी कार्य पद्धति के बारे में भी जानता हूँ, उनको मैं देखता भी हूँ किस तरह से वो काम करते हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि प्रवीण खंडेलवाल जी जब जीत कर आएंगे तो बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली, जो हमें बिना कहना ही नहीं पड़ेगा पता लगा, अपने आप ही ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि किसी ने भी बताई है काम तो सभी का हो गया। और अभी तक नहीं तो क्या होता था कि हमने समस्या बता दी, अगली बार समस्या ज्यों की त्यों। और भी कुछ यहाँ पे व्यापारी हैं, बात करते हैं। सर, क्या लगता है प्रवीण खंडेलवाल मतलब क्या, एक व्यापारियों के लिए क्या, कौन है प्रवीण खंडेलवाल? प्रवीण खंडेलवाल जी को मैं करीब आज से 35-40 साल से जानता हूँ। पहले मेरी कश्मीरी गेट शॉप होती थी, और हमारी वहाँ मोहन मेकिन एक मार्केट बनी थी, टूट गई थी, तो वहाँ अपमा एसोसिएशन थी हमारी, तो स्पेशली प्रवीण खंडेलवाल जी उस समय नए वाला से और खारी बावली के उधर व्यापारी होते थे और नेता होते थे, वो स्पेशली दिल्ली जब बंद करवानी थी पूरी शॉपकीपर्स को बंद करवाने के लिए, मुझे आज भी याद आए थे वो स्पेशली। तो प्रवीण खंडेलवाल जी कोई आज नए नहीं है, बड़े पुराने हैं, और आज सबके साथ, व्यापारियों के साथ तो है ही हैं, तो आज आप देखो कि जनता के बीच में और सबके साथ जुड़े, जैसे बीजेपी के साथ जुड़े, तभी आज प्रधानमंत्री जी हमारे यशस्वी मोदी जी ने उनको टिकट दी है। तो मैं समझता हूँ व्यापारी के अलावा वो दिल्ली के अपने पुराने जो है ना रहने वाले, उनमें से एक परिवार है वो। बिल्कुल सर, दिल्ली के अंदर और भी व्यापारी परिवार हैं, कैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रवीण जी के बिहाफ पे आप? जो प्रवीण जी जो काम कर सकते हैं, जो दिल्ली में जो पुराने चावड़ी व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको इस एरिया के बारे में जितनी नॉलेज है शायद किसी और व्यापारी को नहीं होगी। तो इसलिए जो बीजेपी का जो डिसीज़न है, बीजेपी का जो डिसीज़न प्रवीण खंडेलवाल जी को लाना, यूथ को आगे करना, उनके सबकी समस्याओं, हर परिवार की, सिर्फ व्यापारी की बात नहीं है, यहाँ नौकरी पेशा वाले लोग भी हैं, कोई भी है, उन सब के लिए किसी भी समस्या को निदान करने के लिए जो ये प्रवीण खंडेलवाल जी का जो चुनाव किया गया है, इनको लाया गया है सीट के लिए, MLA सीट के लिए, जो यूथ शक्ति को बीजेपी ने आगे किया है उसके लिए ये बेस्ट प्रयास है, और नो डाउट
आएंगे तो वही। बिल्कुल, तो देखिए व्यापारियों की पूरी उम्मीद है कि आएगा तो प्रवीण खंडेलवाल आएगा, और सभी लोग एक नारा लगा रहे हैं, चांदनी चौक का एक ही लाल, खंडेलवाल खंडेलवाल। तो कुछ एक व्यापारी और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। राजू जी से पहले बात करते हैं। राजू जी, अशोक विहार से पहली जो आवाज उठी है व्यापारियों की, या यूं कहें कि पूरा मोर्चा खोल दिया अशोक विहार के व्यापारियों ने, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने जो मीटिंग यहाँ रखी थी, हमारे जो प्रवीण खंडेलवाल जी चांदनी चौक लोकसभा से प्रत्याशी हैं, उनके कंपेनिंग के चक्कर में, तो यहाँ पर हमने जितनी भी एसोसिएशन है अशोक विहार की, और सबको यहाँ बुला रखा था, जिसके प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे मीटिंग में, और सब ने बड़े जोश के साथ प्रवीण जी को बहु सबसे सातों सीटों में से सबसे ज़्यादा बहुमत जिताने का वायदा किया। वो अपने जीत जान लड़ा देंगे हम, और प्रवीण जी को जिता के लाएंगे, और सब ने एक ही आवाज़ कही कि हम खुद प्रवीण खंडेलवाल हैं, प्रवीण खंडेलवाल हमारे चेते हैं, हमारे दिलों में बसे हुए हैं, हम उनके साथ हैं, पूरा अशोक विहार उनके साथ रहेगा। नागपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मीटिंग के अंदर कोई साधारण लोग नहीं थे, पूरी अशोक विहार की जितनी भी मार्केट एसोसिएशन है उन सभी के प्रधान यहाँ पर मौजूद थे। अशोक विहार से ही लगातार आवाज उठती रही है हमेशा व्यापारियों के लिए, सबसे पहली जो आवाज उठती है, क्या कहेंगे? आज जो मैसेज जो यहाँ से निकला है पूरे देश तक जा पाएगा? जरूर जाएगा, और ये व्यापारियों की आवाज है। यहाँ से एक एक व्यापारी जो संगठन है, एसोसिएशन है, उनके प्रधान, उन्होंने सिर्फ एक ही आवाज़ लगाई है, मैं व्यापारी, मैं हूँ प्रवीण खंडेलवाल। और सब व्यापारी पूरी जी जान से, सिर्फ ये नहीं, जो ये व्यापारी है ये कहीं ना कहीं RWO में भी जुड़े हुए हैं, तो RWO के भी वो कहीं ना कहीं प्रधान है, इसी अशोक विहार से भी और दूसरी जगहों से, तो उन्होंने यही कहा है कि हम और RWO में भी अपना पूरी जी जान लगा देंगे, और प्रवीण खंडेलवाल जी को बहुत भारी बहुमत से विजयी करके लेके आएंगे। ये जो एसोसिएशन है जो व्यापारियों में बहुत जोश है मैम, और इस बार तो 400 पार जो स्लोगन है उसको तो पूरा करना ही है। उसके अलावा जो हमारे प्रवीण जी हैं, ये व्यापारियों से उठे हैं, और हम सारे व्यापारी भाई इतना खुश हैं, तो वी आर द हैप्पीएस्ट पीपल नाउ टुडे, ऐसे लग रहा है कि हम खुद ही प्रवीण खंडेलवाल हैं। मीटिंग में विपिन आहूजा ने प्रवीण खंडेलवाल को जिताने का व्यापारियों से आग्रह करते हुए शॉप टू शॉप जाकर प्रवीण खंडेलवाल के लिए प्रचार करने की बात कही। विपिन जी हमारे साथ मौजूद हैं, कैट्स के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि विपिन आहूजा ने एक आगाज किया है, एक शुरुआत करी है कि आप जितने भी दिल्ली के व्यापारी हैं उनको एकजुट कर देना है और एक मंच पर लाकर खड़ा कर देना है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए क्योंकि सबसे पहले तो ये हम जानते हैं ना कि हमारे नुमाइंदे तो हमारे प्रवीण जी रहे, हमारी समस्याओं का समाधान कराने में एक ही चेहरा वो हमारे आदरणीय प्रवीण जी, तो ये हमारा सपना साकार होने जा रहा है। तो हमारे हर व्यापारी वर्ग का ये फर्ज कर्तव्य बनता है कि हम हर तरीके से कोई भी अपनी कमी ना छोड़ें और वो सब काम करें जो कि हमें करना चाहिए, जिससे कि हम बहुत अत्यधिक मार्जिन से जीतें और हर दुकानदार उसके अंदर अपने आप को कर्तव्य का पालन करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों में जिताएं। आज हमारे ये पूरे जितने अशोक विहार की 12 एसोसिएशन हैं, 12 मार्केट हैं बड़ी, आज अब आपने देखा उनके अध्यक्ष सेक्रेटरी मौजूद थे, ऐसे ही हमने कल शायद चांदनी चौक निकलेंगे, परसों कमला नगर निकलेंगे, फिर मॉडल टाउन, पीतमपुरा, शालीमार बाग, तो ऐसे करके हर मार्केट के अंदर हमारी मीटिंग्स होंगी और उस मार्केट के अंदर हर व्यापारी वर्ग अपने संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेगा। विपिन जी, जहां भी आप जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आज पहली मीटिंग थी, हमने देखा कि व्यापारी समर्थन भी दे रहा है, साथ ही अपनी समस्याएं भी साथ साथ रख रहा है, शायद ये जो आपका एक ये विजन भी है कि आप उन सभी व्यापारियों की समस्या भी समझ जाएं और साथ ही साथ उनका समर्थन भी जुटा पाएं, समस्या जो बता रहे हैं कैसे उस पर काम होने वाला है आगे? देखिए बीइंग मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ कैट का, अभी तक जितनी भी जो समस्याएं आती हैं प्रवीण जी के माध्यम से, हमारे कैट के माध्यम से वो सुलझाई जाती हैं, और अगर सारी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन अब ये हर को एक पक्का यकीन है कि हम अब जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे वो भी कर पाएंगे, और वो अपनी बता रहे हैं, तो अभी तो हमने कहा हम अपने कर्तव्य का पालन करें, और जब वो निश्चित तौर पर जब बन के आएंगे तो वो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपको बता दें कि देश के व्यापारियों के लिए पहले भी दिल्ली के अशोक विहार से आवाज उठती रही है, लेकिन इस बार बात व्यापारियों के लिए उनके नेता की है,
ऐसे में व्यापारी पूरी ताकत से प्रवीण खंडेलवाल की रीढ़ की हड्डी बनकर साथ निभाने का वादा कर रहे हैं। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।